हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग 2022 से 2023 और उसके बाद भी आने वाले डीसी मूवीज के बारे में। तो सबसे पहले ब्लैक एडम अक्टूबर 21 2022 को आएगा। ये मूवी JSA को लाएगा डीसी का यूनिवर्स में और इसमें ब्लैक एडम, हॉकमैन, डॉक्टर फिट जैसे सुपर हीरोज भी होने वाले हैं। उसके बाद शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड दिसंबर 21 2022 को आएगा। इस शज़ाम की मूवी की कहानी को आगे बढ़ाएगा और शज़ाम और ब्लैक एडम की कहानी को भी ये आगे बढ़ाएगा। और इस मूवी के बाद आएगा बैट गर्ल जो कि रिलीज होगा 2022 में। इसका भी कोई डेट कंफर्म तो नहीं है लेकिन ये इसी साल आने वाला है और ये पूरा फिल्म बैट गर्ल की कहानी पर होगा। उसके बाद आता है एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम जो कि मार्च 17 2023 को आएगा। ये एक्वामैन का सीक्वल होने वाला है और इसमें सारे पुराने कास्ट होने वाले हैं और इसमें कुछ नए भी आए हैं और ये मूवी 2023 को रिलीज होने वाला है। और इस मूवी के बाद आने वाला है द फ्लैश जो कि जून 2023 को आएगा। ये मूवी डीसी यूनिवर्स को थोड़ा सा अलग बना देगा क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे पुराने बैटमैन और भी सुपर हीरोज दिखने वाले हैं और ये 2023 को आएगा। उसके बाद आता है ब्लू बीटल जो कि अगस्त 18 2023 को आएगा। ये मूवी को एक थिएट्रिकल रिलीज मिलने वाला है। इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये 2023 को रिलीज होगा और ये एक नए सुपर हीरो की कहानी होने वाली है। उसके बाद आता है द वंडर ट्विंस जिसका रिलीज डेट हमें अभी तक नहीं बताया गया है और इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद आता है वंडर वुमन 3 और इसका भी रिलीज डेट अभी तक हमें नहीं बताया गया है। हो सकता है कि इसकी शूटिंग 2023 में शुरू हो जाए और ये मूवी एक ट्रायलॉजी बन जाएगी। और उसके बाद द बैटमैन का आगे का पार्ट यानी कि उसका सीक्वल आने वाला है और इसका भी रिलीज डेट हमें अभी तक नहीं बताया गया है। उसके बाद एक सुपरमैन का अनटाइटल मूवी आने वाला है जिसका भी डेट अभी तक हमें नहीं बताया गया है और ये 2023 में आ सकता है और ये मूवी एक रिबूट होगा। उसके बाद जटाना जिसका भी रिलीज डेट अभी तक हमें नहीं बताया गया है और ये हो सकता है कि 2023 में रिलीज हो। इसकी शूटिंग अभी चालू है और हो सकता है कि ये जल्द ही रिलीज हो। उसके बाद सुपर गर्ल जिसका भी रिलीज डेट अभी तक हमें नहीं बताया गया है और ये भी 2023 में रिलीज हो सकती है। उसके बाद ब्लैक कैनरी मूवी और ये भी 2023 में रिलीज हो सकती है। उसके बाद स्टैटिक शॉक और इसका भी रिलीज डेट अभी तक हमें नहीं बताया गया है और ये एक नए सुपर हीरो की कहानी होने वाली है और इसकी भी शूटिंग अभी शुरू होने वाली है। उसके बाद नाइट विंग जिसका भी रिलीज डेट अभी तक हमें नहीं बताया गया है। उसके बाद ब्लैक हॉक जिसका भी रिलीज डेट अभी तक हमें नहीं बताया गया है। उसके बाद सुपरमैन मैन ऑफ स्टील का सीक्वल और इसके बारे में भी हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद एक लोबो मूवी जिसका भी रिलीज डेट अभी तक हमें नहीं बताया गया है। तो थैंक यू, अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।